अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। निशा बेगम कला जिस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स कैसे हैं मेरा प्यारा प्यारा व्यूअर्स लोग, उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं आप सब अच्छा रहिए और खुश रहिए। तो आज हम आपका सामने में एक डिश लेके आए हैं प्यारा प्यारा व्यूअर्स लोग के लिए मेरा। तो आज जो हम बनाने वाले हैं डिश, हम मीठा आइटम का बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं बताएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। तो देखिए, हम डिश बनाने का पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, काहे कि आप ही लोग का माध्यम से हमारा चैनल आगे जाएगा और हर कोई देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारा साथ रहिएगा और साथ दीजिएगा। तो आज जो हम डिश बनाने वाले हैं, अब हम आपको बता देते हैं। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना का खीर। साबूदाना का खीर बनाएंगे, वो भी हम गड़कंडी, काजू बादाम, किशमिश, पिस्ता, आलमंड बादाम, ये देके, सॉरी पिस्ता नहीं देंगे, आलमंड बादाम देंगे, वो हम देके बनाएंगे साबूदाना का खीर। देखिए, साबूदाना का खीर बहुत ही विटामिन होता है, बहुत ही हेल्थी होता है, हमारा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है, बहुत प्रोटीन वाला चीज है। तो साबूदाना जिनको ठंडा का शिकायत है वो कच्चा दूध में कभी ना बनाएं, दूध को पहले पका लेंगे उसका बाद बनाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। और आप जहां से भी हमारा वीडियो देख रही हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा जो कैसे लगा हमारा वीडियो, और अपना घर में बना के जरूर खाइएगा, ज्यादा नहीं, पहला कोई भी चीज बनाइए, कम बना के टेस्ट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा जो हाँ वाकई में ही कोई डिश बना है, तब हम बना के हर किसी को खिला सकते हैं। पहले अपने ही टेस्ट कीजिए, तब पता चल जाएगा जो हाँ डिश क्या है, और ये खीर साबूदाना का खीर क्या टेस्टी है, सारा हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि आप देख रही हैं, हम यहाँ पर सारा चीज रेडी कर दिए। आप जानते हैं हमेशा हम आपका सामने में रेडी करके दिखाते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, आपका परेशानी दूर करने का निशा बेगम का काम है। तो देखिए, हम कैसे आपका काम आसान से हो जाएगा वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम साबूदाना लिए हैं 700 ग्राम हम साबूदाना लिए हैं। यहाँ पे देखिए 4 लीटर हम दूध लिए हैं, इसमें हम 1/2 लीटर पानी ऐड किए हैं, काहे कि दूध हमारा सूख गया था। तो 4.5 लीटर दूध, सोचिए 4.5 लीटर दूध हम यहाँ पे ले लिए। काजू बादाम हम यहाँ पे लिए हैं देखिए 100 ग्राम, किशमिश लिए हैं 50 ग्राम, आलमंड बादाम लिए हैं हम 50 से 60 ग्राम। काजू बादाम को भी हम का किए हैं यहाँ पे देखिए, काजू बादाम को हम हर एक काजू बादाम को हाफ कर दिए हैं, आलमंड बादाम को भी हाफ कर दिए। गड़कंडी लिए हैं यहाँ पे हम तकरीबन 60 से 70 ग्राम लिए हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, फुला फुला सा होता है, इसीलिए ये 60 से 70 ग्राम होगा। आप देख सकते हैं बड़ा बाटी में एक बाटी। अभी हम आपको और दो चीज दिखाएंगे, बस वेट कीजिए, यहाँ पे जाएगा छोटा है। तो हम पहले दूध को साइड करते हैं, उसका बाद हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दूध हम साइड कर दिए हैं, साबूदाना को भी हम साइड कर दिए हैं, सब चीज। अब यहाँ पे देखिए चीनी, जितना हम साबूदाना लिए हैं उससे 100 से 200 ग्राम हम कम लिए हैं चीनी। तो देखिए चीनी आप स्वाद अनुसार दीजिएगा, हम यहाँ पे चीनी लिए हैं 350 ग्राम। 700 ग्राम हमारा साबूदाना के लिए हम 300 ग्राम चीनी लिए हैं, क्योंकि हमारा घर में मीठा बहुत कम पसंद करते हैं और मीठा हम बहुत कम खिलाते हैं, तो कोई डीप मीठा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, मीडियम रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा हो जाने से केटकेटे लगता है, खाने का भी मन नहीं करता है, थोड़ा सा मुंह में दीजिएगा बस और मन नहीं करेगा। बराबर में दीजिएगा, हाफ हाफ करके मीडियम में, हर चीज अगर लेवलिंग में रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे 350 ग्राम चीनी लिए, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप लीजिएगा 400 ग्राम, 450 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर खा नहीं पाइएगा। तो देखिए चीनी दिखा दिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए एक चम्मच में हम तकरीबन 30 से 35 ग्राम हम लिए हैं देसी घी। घी हम क्या करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं चूल्हा का पास, कढ़ाई में स्टार्ट करते हैं।
और बहुत ही झटपट ये खीर बन जाता है। साबूदाना का जो खीर है बहुत ही आराम से, बहुत ही झटपट और बहुत ही हेल्थी, बहुत ही विटामिन वाला, कैलोरी वाला। तो चलिए चूल्हा का तरफ। तो देखिए चूल्हा पे हम आ गए हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम घी इसमें ऐड कर देंगे, पूरा जो लिए हैं जितना, बस उतना घी हम ऐड कर देंगे। चूल्हा हमारा ऑन है, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं घी मेल्ट हो रहा है। तो देखिए घी गरम हो गया है, हम क्या करेंगे, आलमंड बादाम, काजू बादाम, ये दोनों चीज हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम हम लो कर देंगे, हाई फ्लेम था, और इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे घी में। अच्छा है तो हाई फ्लेम में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अब देखिए ये हल्का होके आ गया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे गड़कंडी। सारा चीज को बढ़िया से हम फ्राई कर लेंगे। इसे तो देखिए साबूदाना का खीर में आप सिर्फ दो चीनी और साबूदाना देके भी बना सकते हैं। सिंपल बच्चा लोग को दिया जाता है, हेल्थ होता है बहुत। हमारा बड़ा बेटा को बचपन में हम बहुत दिए हैं, छोटा बेटा भी खाए हैं, और हम लोग घर में हमेशा खाते रहते हैं। सप्ताह में तो दो तीन बार हो जाता है साबूदाना, तो खीर बना के खाते हैं, बहुत किस्म का बना के खाते हैं। ऐसे देखिए साबूदाना का उपमा भी बनता है, दिखाएंगे। बस हमारा चैनल को देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आप जितना सिरदर्द से देखिएगा उतना सिरदर्द से हम भी वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो देखिए ये फ्राई हो गया है, अब इसको हम साइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको हम निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, कढ़ाई को थोड़ा सा इस टाइप का साफ कर देंगे, जब बच्चा कुछ रहेगा वो निकल जाएगा, इसका छिलका वगैरह। फ्लेम हम लो कर देंगे, थोड़ा सा हाई किए थे गर्म होने के लिए। अब इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे। साबूदाना ऐड करके हम इसमें फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए हल्का। हम इसीलिए फ्राई किए हैं, जो जिसको ठंडा का शिकायत होगा वो ठंडापन कट जाएगा। वो कच्चा का जो होता है उसमें क्या होता है, जिसको ठंडा का शिकायत रहता है साबूदाना का खीर खाने से, उसको सर्दी होता है, कफ कफ जो होता है वो कफ जम जाता है, उसको मॉल बोलते हैं, तो वो जमेगा नहीं। बेझिझक आप खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। और जिनको पेट गर्म जिनका रहता है वो रात को साबूदाना फुला के सुबह में खा सकते हैं मिश्री दाना का साथ। रात को फुला दीजिएगा मिश्री दाना साबूदाना, और उसका बाद सुबह में खाली पेट खाइए, देखिएगा आपका पेट कितना ठंडा रहेगा। पेट ठंडा रहेगा तो दिमाग ठंडा रहेगा, तो हेल्थ के लिए हमारा कितना साबूदाना फायदा है आप समझ सकते हैं। तो देखिए हाई फ्लेम में हम इसको फ्राई कर रहे हैं, तो 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। बस इसका ऊपर में जो ये जो धुला धुलापन है ये खत्म हो जाएगा, और साबूदाना जब हमारा उबाल के आएगा तो वो एक ठो होता है ना, जैसे हम लोग भात का फेन गाड़ते हैं लस्सा जैसा होता है वैसा बहुत हो जाता है। इसे तो साबूदाना लस्सा का जैसा होगा, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। बहुत सा साबूदाना टूट टूट जाता है, जैसे लगता है पूरा लस्सा हो गया। और ऐसे फ्राई कर देने से क्या होगा, टूटेगा नहीं। तो 2 मिनट हम फ्राई करके आपको दिखा रही हैं। ठीक है 2 मिनट हो गया है इसको फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं इसका जो पाउडरपन था वो खत्म हो गया है, ये देखिए, नहीं तो डालने से पाउडर उठता है। अब क्या करेंगे, ये जो सारा चीज फ्राई करके रखे थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम इसी में चला लेंगे। अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे।
हम कढ़ाई में बना रही हैं। आपको जिसमें बनाने का सुविधा होगा आप उसमें बनाइएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से हम चलाते रहेंगे इस टाइप का, ताकि साबुदाना हमारा नीचे में नहीं बैठ जाए एक दूसरे में। अब देख सकते हैं साबुदाना को हमारा, तो इस टाइप का इसको हम चलाते रहेंगे और इसको हम पकाते रहेंगे। हल्का हल्का हम इस टाइप का चलाएंगे, जो भी ढेला उला बढ़ जाएगा दूध डालने से, फ्राई करने से, इससे होता। बहुत कोई क्या करते हैं, पानी में पूरा घोल लेते हैं, उसका बाद बॉईल करते हैं, तब जाके दूध ऐड करते हैं। हम पूरा डायरेक्ट ही कर रही हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। इस टाइप का बनाइएगा, बहुत ही झटपट बन जाएगा। तो देखिए सारा साबुदाना हमारा खुल गया है, ये देखिए। और जैसा जैसा ये बॉयल होगा अपने ही खुल जाएगा। तो देखिए इस टाइप का हम इसको चलाते रहेंगे। अभी हम 30 से 35 मिनट इसको पकाएंगे इसी टाइप का चलाते हुए हाई फ्लेम में। उसका बाद हम चीनी ऐड करेंगे, किशमिश ऐड करेंगे। आप जैसे देखे हैं उस टाइप का बनाइए। तो दूध हमारा देखें साबुदाना के लिए एकदम परफेक्ट है, 4 लीटर दूध। क्योंकि 3 लीटर दूध आया हमारा, 4 लीटर दूध आया था तो उसमें 1/2 लीटर का लगभग दूध खर्चा हो गया। हम यहाँ पे 3.5 लीटर का लगभग दूध ऐड किए हैं, तो उसमें 1/2 लीटर हम पानी ऐड किए हैं। आप सिर्फ दूध से ही बनाइएगा, जो सच्चाई बात है वो हम आपको बता रही हैं। अब ये भैंस का दूध है, भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है। अगर गाय का दूध में बनाइएगा तो उसमें पानी ऐड नहीं कीजिएगा, सिर्फ दूध से बनाइएगा, तब वो बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो इस टाइप का हम चलाते रहेंगे। अभी बीच बीच में इसको बैठने नहीं देंगे, लगातार हम चलाएंगे इसका उबाल आने तक। पूरा भरपूर उबाल आ जाएगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। एक चीज बताना भूल गए आपको, दूध, दूध का बारी में जो हम आपको बताएं, जो हम फुटा के दूध पूरा उबाल के दे रही हैं, जिनको ठंडा का शिकायत है, कच्चा दूध में साबुन बनाने से उनको तकलीफ होगा, खा नहीं पाएंगे, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा और कफ जम जाएगा। तो मेन है कफ का समस्या, तो वो कफ नहीं जमेगा। ऐसे करके दूध उबाल के जो हम दिए हैं, कोई टेंशन नहीं, बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई खा सकते हैं, लेडीज जेंट्स हर कोई खा सकते हैं। और खाइएगा, हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरत है, बहुत विटामिन देता इसमें। तो यही चीज बताना था। इसी टाइप का चलाते रहेंगे हम पूरा भरपूर उबाल आने तक। तो देखिए 3 से 4 मिनट में ये उबाल आ गया एकदम भरपूर। आप देख सकते हैं सारा हमारा साबुदाना बिखर चुका है, दानेदार का हिसाब से एकदम, देखिए। अब इसको हम इसी टाइप का बीच बीच में चलाते रहेंगे, बढ़िया से हम 30 से 35 मिनट इसको हम पकाएंगे, उसका बाद हम आपको दिखाते हैं। अभी ये भरपूर ऐसे हाई फ्लेम में हम इसको पकाएंगे, जब तक साबुदाना हमारा भरपूर तरीका से बॉईल नहीं हो जा रहा। कैसे बॉईल होगा हम आपको दिखाएंगे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए 30 मिनट हो गया है इसको होते हुए, आप देख सकते हैं साबुदाना हमारा होके आ गया है, इसी टाइप का होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, चीनी ऐड कर देंगे। और इसको हम बढ़िया से चला लेंगे, इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे चीनी का साथ साबुदाना के। तो देखिए हम जो साबुदाना और गड़कंडी काजू बादाम ये जो सब डाले थे एक साथ, इसीलिए जो ये अच्छा से बॉईल हो जाएगा, गड़कंडी हमारा काजू बादाम आलमंड बादाम ये जो हम दोनों डाले थे, ये अच्छा से बॉईल होने के लिए और पक जाने के लिए। काहे कि हम इसको ऑलरेडी घी में फ्राई किए हैं, तो आप भी वैसे ही दीजिएगा जैसे हम दे रहे हैं। अभी हम इसको 2-3 मिनट पकाएंगे, उसका बाद
देंगे किशमिश। इसी टाइप का चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगा। आप ये देखिए हो के आ गया, होने का टाइम में ऐसे गोल गोल नीचे से इस टाइप का चलाते रहिएगा, नहीं तो क्या होगा नीचे में बैठ जाने से फिर जल जाएगा तो फिर खा नहीं पाइएगा, क्योंकि जल जाने से साबूदाना बहुत खराब एक स्मेल आता है, खा नहीं पाइएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, कोई टेस्ट भी नहीं रहेगा, स्वाद भी नहीं रहेगा, अलग टाइप का लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को और कुछ नहीं। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो देखिए 2 मिनट हो गया, 3 मिनट पर होके आ गया है, तो हम आ गए हैं। साबूदाना हमारा देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हुआ। हम साबूदाना बड़े साइज का लिए हैं, छोटा साइज का साबूदाना इस्तेमाल इसमें नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर हलवा हो जाएगा, खीर का जगह में हलवा खाइएगा और बहुत ही दिक्कत होगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम सारा किशमिश ऐड कर देंगे और इसको चला लेंगे बढ़िया से। हम हाई फ्लेम में ही पकाए हैं और आप भी हाई फ्लेम में ही पकाइएगा। बस क्या है जो इसका पास थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है, बैठ के रहना पड़ता है, आप छोड़ के हट नहीं सकते हैं, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यही इसका एगो खूबी है, नहीं तो बहुत ही झटपट में आधा घंटा 30-35 मिनट में ही ये फिनिश हो जाता है बनाना। और इतना मतलब टेस्टी होता है, हर किसी को पसंद आता, कोई भी ऑपरेशन वगैरह रिश्ता नाता कहीं भी कुछ भी आपका घर में हुआ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत देते नहीं है कोई, क्योंकि इसमें खर्चा होता है, मेहनत होता है, इसीलिए कोई नहीं देने मांगता, बहुत कोई जानते नहीं है, जो लोग जानते नहीं है वो लोग के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। तो देखिए 2 मिनट हम इसको इसमें चला लिए हैं, अब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसी टाइप का हम इसको रखेंगे 5 से 10 मिनट, हम 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे ठंडा होने के लिए। बीच बीच में हम इसको इस टाइप का चलाते रहेंगे, कहें ना जब ये ठंडा होगा, हम ये जब नहीं चलाइएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा। अब बीच बीच में इसको इसी टाइप का चलाते रहिएगा तो खुला खुला सा रहेगा साबूदाना हमारा। और देखिए इसका जो ग्रेवी हम जैसे लाए हैं, दूध देखिए कितना पतला गिर जा रहा, इसी टाइप का इसका रहना चाहिए स्ट्रक्चर, गाढ़ा नहीं कीजिएगा, पतला भी नहीं कीजिएगा, ये एकदम परफेक्ट है, देख सकते हैं, ये देखिए पूरा यही टाइप का रहना चाहिए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। कि इसको 10 मिनट हम ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे रेस्ट में। अब देखिए ये साबूदाना कितना बड़ा बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा बड़ा हो गया है, और भी ये बड़ा बड़ा होगा। अब इसको 1 महीना के लिए फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं, 1 सप्ताह के लिए भी रख सकते हैं, ज्यादा करके बना लीजिए, रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। तो 10 मिनट हमारा ये ठंडा छोड़ने का मतलब ये था, जो अगर हम फूल पका लेते तो फिर ये एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाता, ऐसे खुला खुला आपको नजर नहीं आता साबूदाना। हम थोड़ा सा जैसे कि 100% में 90% हो गया था, 10% बाकी था, हम चूल्हा ऑफ कर दिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। इसका इतना गर्म हीट रहता है, खीर जो साबूदाना का आता है उसका गर्मी से ही ये 10 से 15 मिनट में सारा गल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट, और ये गाढ़ा भी देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एकदम परफेक्ट टाइप का। अब इसको हम उतार के आपको दिखाते हैं। तो देखिए साबूदाना का खीर बन के हमारा रेडी हो गया है, जिस टाइप का हम दिखाए थे उसी टाइप का, यही देखिए एकदम परफेक्ट जबरदस्त हुआ है, कहीं भी कोई भी ओकेशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका मर्जी। आप घर में हमेशा बना के खाइए, खिलाइए, बच्चा लोग को तो खास करके दीजिए, क्योंकि ये बुद्धि भी बढ़ाता है, आप ताकत भी देता है, विटामिन भरपूर है इसमें, कैलोरी भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा, और जो हेल्थ होता है हेल्थ का तरफ से भी एकदम बहुत ही जबरदस्त ये हेल्थ फायदा देता है। हेल्थ में जो बच्चा का हेल्थ नहीं हो रहा उसको 2 महीना खिलाइए, उसका बाद देखिए आपका बच्चा का भरपूर हेल्थ हो जाएगा। तो इसी टाइप का बना के खाइए, खिलाइए। हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा, जहां से भी आप देख रही हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जो ये वीडियो आज का कैसा लगा, और बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम यहीं रोकते हैं,
हमारा तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्यार भरा डीज का साथ, प्यार भरा सलाम और नमस्ते।